वेलकम माई यूट्यूब चैनल बार्ड लवर टीवी। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अभी जो बिडिंग सीजन आ रहा है और समर का सीजन चला गया और रेनी सीजन आ रहा है और इस टाइम पर आपका जो जबस्पर है वो बहुत ही अच्छा बिडिंग करता है, ठीक है ना। और कौन सा सीजन में जबस्पर बहुत ही अच्छा बिडिंग करता है वो सभी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो एक लाइक कर देना और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर वो मेरे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते और मेरा जो एडल प्यार इस टाइम पर जो एक ईयर हो चुका है उसका, ठीक है ना, वो सभी प्यार मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और रेनिंग सीजन का जो मेरा यहाँ पर जो सीजन चल रहा है वो कैसा है और नेचर कैसा है वो सभी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो पिछले सीजन का जो एडल जबस्पर मैंने यहाँ पर छोटा जो केच यहाँ पर रखा है क्योंकि इसका जो मेल और फीमेल मैं कंफर्म करूँगा और इस सीजन में मैं इसे बीट लूँगा, ठीक है ना। इसका एज लगभग एक ईयर के ऊपर होगा। कुछ जो बाट है वो नया बीटिंग करेगा और कुछ पुराना बाट है, ठीक है ना। तो आप तैयार अपने जबस्पर को तैयार कर लीजिए क्योंकि बीटिंग सीजन आने वाला है। अगस्त महीने से बीटिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा और इसीलिए तब तक के लिए मैं अपने जबस्पर को सही से देखभाल करूँगा और कुछ बातों में बोल देता हूँ और इस टाइम पर आपको क्या क्या देना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको विटामिन कैल्शियम का कोर्स पूरा कंप्लीट करना होगा और मैं क्या खाना प्रोवाइड करना हूँ क्योंकि ब्रीडिंग सीजन से पहले आपको अच्छी तरीके से खाना प्रोवाइड करना होगा ताकि बाट को कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो मैं हफ्ते में क्या कर रहा हूँ, एक बार जो काले चने 2 से 3 दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक दिन हरे मूंग का दाल में भिगो के दे रहा हूँ और एक दिन मैं ग्रीन फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये सब आपको देना है और आपको क्या करना है, मैं जो सीड मिक्स है वो नॉर्मल सीड मिक्स तो आपको देना ही देना है और मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैनरी सीड मेरे जबस्पर को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कैनरी सीड से आपका जो जबस्पर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। और आपको क्या करना है, ब्रीडिंग सीजन से पहले आपको अंडे का छिलका और कैटल बोन फिश आपको केज के अंदर जरूर से जरूर देख के रखना है ताकि ब्रीडिंग करने से जो कैल्शियम का कमी अपने जबस्पर को ना आए क्योंकि अंडे का छिलका जबस्पर बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर लगभग 10 से 15 पेयर होगा और भी मेरे पास ब्लैक जबस्पर है उसको भी मैं सेपरेट करके मैं जो मेल और फीमेल कंफर्म करूँगा, ठीक है ना। और जबस्पर मुझे लगता है क्योंकि रेनिंग सीजन में बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग करता है और आपने देखा होगा अगले सीजन में मैंने रेनिंग सीजन में बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग लिया है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मटकी कैसे धोता हूँ वो सभी मैं टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।